बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पहले पार्टी में जान फूंकने की कवायद बीजेपी को याद आए पुराने कार्यकर्ता की सुनेंगे मन की बात। दिग्गज नेता संगठन में शीर्ष स्तर तक पहुंचाएंगे बात। 14 दिग्गज नेताओं को सौंपी प्रदेश की कमान। नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर की कमान और भोपाल और सीहोर की, कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर, रीवा, सतना और धार की, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को रतलाम, मंदसौर, नीमच, फग्गन सिंह झाबुआ अलीराजपुर और बड़वानी, राकेश सिंह को नर्मदापुरम, दर्दा, बैतूल, मंडला और डिंडोरी की, प्रभात झा को खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, गोपाल भार्गव को छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट की, तो वहीं सुधीर गुप्ता को ग्वालियर, मुरैना और भिंड की, लाल सिंह आर्य को छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और कटनी की, कृष्ण मुरारी मोघे को सागर, दमोह, विदिशा और रायसेन की, माखन सिंह को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी की और श्योपुर की, तो वहीं जयभान सिंह पवैया को जैन देवास, शाजापुर और आगर की, राजेंद्र शुक्ला को सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उपरिया की, माया सिंह को राजगढ़, दतिया और नरसिंहपुर की। तो ये सभी जिम्मेदारियां जो है वो सौंप दी गई हैं। बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। चुनाव को लेकर तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चरम पर है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो सभी को अलग अलग विधानसभा सौंप दी गई है और जयभान सिंह को पवैया, उज्जैन देवास की दी गई है, राजेंद्र शुक्ला को सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर की दी गई है, माया सिंह को राजगढ़, दतिया और नरसिंहपुर की दी गई है। तो इन सभी को जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंप दी गई है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, जिले की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जयभान सिंह पवैया को उज्जैन देवास, शाजापुर और आगर की दी गई है, राजेंद्र शुक्ला को सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया की दी गई है, माया सिंह को राजगढ़, दतिया और नरसिंहपुर की दी गई है। तो सभी को जिम्मेदारियां जो है वो सौंप दी गई हैं और बीजेपी एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है और कई पुराने लोगों के कार्यकर्ताओं के संपर्क में बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल सभी को अलग अलग संख्या में जिलों की कमान दी गई है। किसी को 2 जिले की कमान दी गई है, किसी को 3 जिले की कमान दी गई है। माखन सिंह की अगर मैं बात करूं तो उन्हें गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर 4 जिलों की कमान दी गई है। जयभान सिंह को उज्जैन, देवास, शाजापुर, उन्हें भी 4 जिले की कमान दी गई है। राजेंद्र शुक्ला को भी 5 जिले की कमान दी गई है। माया सिंह को 3 जिलों की कमान दी गई है। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं कुलभूषण से। कुलभूषण, बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव की तैयारियों में जिलों की कमान जो है वो सौंप दी गई है। क्या कुछ रोडमैप है जो बीजेपी बना रही है? अगर मध्यप्रदेश की बात की जाए तो मध्यप्रदेश में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अब चुनावी एक्शन मूड में आ चुकी हैं। तमाम दिग्गज नेताओं का राजनीतिक दौरा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बीजेपी संगठन की बात करें, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय भोपाल में ली थी और उस बैठक में ये निर्देश दिए थे कि केंद्रीय और कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे कार्यक्रम जमीनी स्तर में ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द से जल्द जो है जारी किए जाए। अब जो है बीजेपी संगठन ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो संगठन के दिग्गज नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके दौरे कार्यक्रम जारी किए हैं। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया, ऐसे तमाम नेताओं के जो है दौरे कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी
एक दिशा निर्देश यहाँ पर एक कल बैठक हुई थी, उसमें ये निर्देश और इस विषय पर चर्चा की गई है कि जिस जिले के जिला अध्यक्षों को बीजेपी का चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, यानी कि संगठन पद से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो बड़े फैसले संगठन के द्वारा लिए गए हैं और अब मध्य प्रदेश में चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है, दौरे कार्यक्रमों के साथ बयानबाजी जो है उसका सिलसिला भी लगातार जारी है। जहां दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड के दौरे पर है, क्योंकि बुंदेलखंड कांग्रेस लगभग सूखे जैसी स्थिति में है, 24 सीटों में 7 सीटें जो है कांग्रेस के पास है। तो दिग्विजय सिंह ने जो है बुंदेलखंड का मोर्चा संभाला है, कमलनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल तीसरा मोर्चा मध्यप्रदेश में अपनी जमीन तलाशता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले केजरीवाल और भगवत मान ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, 230 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की बात कही थी। वहीं अगर साधु संतों की बात करें तो मध्यप्रदेश में चार बड़े साधु संत धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, देवकीनंदन ठाकुर और जया किशोरी लगातार जो है विधानसभा स्तर में कथा कर रहे हैं। तमाम विधायक मंत्री उनकी कथा अपने विधानसभा क्षेत्र में कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब मध्यप्रदेश में जो है चारों तरफ सिर्फ चुनावी माहौल ही माहौल जो है नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से कमान सौंपी गई है जिन जिन लोगों को, क्योंकि 14 दिग्गज हैं जिन्हें अलग अलग जिलों की कमान सौंपी गई है, किसी को 3, किसी को 4 और किसी को 5 जिलों की कमान सौंपी गई है, इन्हें क्या कुछ कहा गया है, ये किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ इनके लिए तैयारियां की गई है, क्या के मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जनता के बीच पहुंचेंगे? संगठन की जो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार तमाम दिग्गज नेता ग्रामीण क्षेत्रों के क्षेत्रों में पहुंचेंगे और उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर बैठक लेते हुए नजर आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, जयवान सिंह पवैया, ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक करेंगे और जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट योजनाएं, लाली बहना योजना की बात करें, या आने वाले समय में जो अविवाहिता युवतियां हैं उनको 1,000 रुपये की राशि भी सरकार के द्वारा दी जाएगी, इसका भी जो है इस प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है योजनाओं के तहत, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है चौपाल लगाई जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में, बूथ स्तर में बैठकें की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की जानकारी देंगे, अधिकारियों को निर्देश देंगे कि जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ मिले। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों सदस्यों को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए, ऐसे तमाम जो है अभियान संगठन की तरफ से चलाए जाएंगे। तो अब बीजेपी कह सकते हैं कि 2018 से नसीहत लेके 2023 में वर्क करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2018 में जिस प्रकार से बीजेपी सरकार बनाने में चूकी थी, हालांकि अगर बात की जाए तो मात्र 7 सीटों का ही अंतर था, लेकिन किन कारणों की वजह से 2018 में बीजेपी को हार मिली है, अब उससे सबक सीख के 2023 की तैयारी में। लेकिन सवाल एक और है कि कौन कौन सी वो विधानसभा है, कौन कौन से वो जिले है जहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बीजेपी को खासकर, और क्या वहां के लिए जो दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्या वहां पर कोई ऐसे नेता को लगाया गया है जो वहां इनका समीकरण क्या बनाया गया है कि किस तरीके से ये जिले में जाएंगे नेता और इसी नेता को ये जिम्मेदारी इस जिले की दी गई है? देखिए, जिले स्तर की अगर बात करें हम तो आपने जो कहा कि किन क्षेत्रों में बीजेपी का जो वर्कआउट है, जो जमीनी स्तर में कार्य है, वो 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी के संगठन और कैडर और सरकार की बात करें तो बीजेपी की जो कार्यनीति है, बीजेपी उस कार्य पर चलती है, उस कदम पर चलती है, वो ये नहीं सोचती कि हम इस सीट पर लंबे समय से हमें जीत मिल रही है तो हम इस सीट पर कार्य नहीं करें, इस सीट में बैठकें नहीं हो, इस
सीट में सरकार के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित ना हो। बीजेपी एक वो पार्टी है अपने संगठन और सरकार के तालमेल के साथ 230 विधानसभा की सीटें 53 जिलों पे वर्क करती है। अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिलों की अलग अलग संभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल का को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने विंध्य में मोर्चा संभाला है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों की जो जिम्मेदारियां हैं वो बड़े नेताओं को दी जा रही है। तकरीबन 4 जिले जो है एक दिग्गज नेताओं को दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 230 विधानसभा सीटों पे ही बीजेपी कार्य कर रही है। हालांकि ये कांग्रेस में जरूर ये फार्मूला लागू होता है, क्योंकि कई ऐसे जिले और क्षेत्र हैं जहां पर सूखे जैसी स्थिति है और उसे समाप्त करने के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। ठीक है, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि अपने आप में तैयारियां पूरी की गई हैं बीजेपी के द्वारा और आगे इसको लेकर जो है रोडमैप तैयार किया जाएगा और इसी विजन के साथ बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। सभी जिलों की जो कमान है वो सौंप दी गई है और यहाँ पर अब बीजेपी के साफ तौर पर विजन है कि किस तरीके से बीजेपी ने काम किया है। उन सारी बड़ी विजन्स को लेकर वो इन अलग अलग जिलों में जाएगी और लोगों से मध्य